हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से सम निकाला जाता है, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगा सम कैसे निकालेंगे। लेकिन वाले सम जो थे इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल बेसिक सम थे, किस तरीके से सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज के सम निकालना होता था वो मैंने आपको सिखाया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिकरिंग डेसिमल के बारे में भी आ जाएगा, और रिकरिंग डेसिमल होता क्या है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद किस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम निकालेंगे फिर हम आपको वो सिखाएंगे। आइए सबसे पहले ये रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रिकरिंग 0.55 पे इस तरीके से आप डॉट का साइन देख रहे होगे, या फिर कभी कभार ये इसी तरीके का एक और साइन बन के आता है 0.5 पे बार, इस तरीके से साइन बन के आता है। इसका मतलब क्या है, नाइन्थ में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैं फिर से बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि 0.5 पे जिस पे डॉट है वही डिजिट बार बार रिपीट होती चली जाएगी। कब तक रिपीट होती जाएगी, इनफिनाइट तक रिपीट होती जाएगी। चाहे आप 0.5 पे डॉट रखिए, चाहे वो 0.5 पे बार रखिए, बात एक ही है, वो नंबर बार बार रिपीट होता चला जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका सम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी सीरीज को लिख लेते हैं किस तरीके से, 0.5 और 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक के जाएगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिएगा ये हमारी सीरीज हो गई। अब ये इसे कैसे सीरीज में लिखेंगे जीपी, तो पहले वाले टर्म को लिखेंगे 0.5, क्या लिखेंगे 0.5 प्लस। अब देखिए ये 0.5 में 0.05 ऐड करो तो देखो ये 55 हो गया। फिर हम क्या करेंगे 0.005, यानी ये तीन डिजिट हो गई। फिर हम क्या करेंगे 0.000 कितनी बार जीरो, तीन बार जीरो होगा और एक बार फाइव आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारी क्या आएगी, ये जीपी देखिए सीरीज बन गई। ये क्या है हमारी जीपी सीरीज। जीपी सीरीज पहचानने का तरीका क्या है, हमने आपको बताया, देखिए कॉमन रेशियो सबका बराबर, देखिए इन दोनों के बीच में 1/10 का कॉमन रेशियो, इधर भी देखिए 1/10 का ही कॉमन रेशियो है। आइए देखते हैं, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ए का फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 0.5 है, हमने आपको बताया था। नहीं मालूम है डिस्क्रिप्शन में जा करके पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां आपको पता है ए क्या होता है, उसके बाद आपको ये भी बता दिया जाएगा किस तरीके से कॉमन रेशियो निकाला जाता है। मैंने बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला बताऊंगा, तो ये a इज इक्वल टू कॉमन रेशियो निकालना दिखा देता हूँ किस तरीके से। 0.05 अपॉन कितना 0.5 हो जाएगा, इसे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/10, ये कॉमन रेशियो हो गया। आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स निकालना है, यानी इन्फिनाइट टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इन जीपी। तो जीपी में फॉर्मूला क्या होगा, a upon 1 minus r, ये हमारा क्या होता है जीपी के सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू मैंने आपको बताई है, a की वैल्यू 0.5 अपॉन में 1, और r की वैल्यू कितनी है 1/10, ये 1/10 यहाँ पे लिखेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा 10 - 1/10, यानी कितना हो जाएगा 0.5/10 में से 1 के बचे 9 - 9/10, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा, जब 10 का मल्टीप्लाई 0.5 से होगा तो 5/9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या है? तरीका है जीपी से किसी भी इन्फिनाइट टर्म का, यानी कोई भी अगर आपका रिकरिंग डेसिमल है वो रिपीटिंग है बार बार हो रहा है तो उसे किस तरीके से हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे, ये तरीका है। अभी भी नहीं समझ में आया, एक और मैं क्वेश्चन लगा के आपको समझाता हूँ, आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इसे किस तरीके से करेंगे, जबकि यहाँ पे देखिए 3 पे बार नहीं है और 2 पे बार है, यानी हमारा रिकरिंग डिजिट कौन सी है, 2 है लेकिन 3 नहीं है। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 0.3, इसका मतलब क्या होगा 0.3222, जिस नंबर पे हमारा बार होता वही क्या होता है रिपीटिंग नंबर होता है, बार बार बढ़ता चला जाता है, तो ये 0.322 है। अगर हम इसको क्या करें 0.3 अलग कर लें, देखिएगा आप क्या करेंगे, 0.3 अलग कर लिया और ये हमारी सीरीज अलग हो गई 0.2222 - - - - इन्फिनिटिव, ये 0.0, क्योंकि देखिए ये 3 अलग करा है क्योंकि 0.3 लिखा है, तो ये 0.0222 चलता चला जाएगा इन्फिनाइट तक ही जाएगा। हमने क्या करा 0.3 और इस वाले को हमने जीपी सीरीज में बना लिया। कैसे बनाया, 0. पहला हो जाएगा 0.02, ये हो गया,
फिर दूसरा प्लस करेंगे 0 पॉइंट, कितनी बार, 2 बार 0, 1 2, फिर उसके बाद 2, हमारा ये हो गया। हाँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे इतने हो गए, फिर उसके बाद 0.0002 प्लस डैश 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 इन्फिनिटिव। अच्छा देख लिए एक बार, 0.02 में 0.002 ऐड करोगे तो देखिए यहाँ तक के आपको सम मिल जाएगा। फिर उसके बाद 0.002 के अंदर ये जोड़ेंगे 0.0002, तो यहाँ तक की आपकी सीरीज आ जाएगी। इस तरीके से देखिए वही चीज मैंने क्या करा है, ये जो लिखे हुए नंबर है इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा ब्रेक डाउन कर दिया, प्लस के फॉर्म में लिख दिया है वही चीज, लेकिन मैंने प्लस के फॉर्म में लिख दिया। अब 0.3 प्लस, यहाँ पे से आपको क्या करना है, जीपी के सीरीज का फॉर्मूला निकालना। कैसे निकालोगे, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया, a अपॉन सम ऑफ इनफिनाइट टर्म इन जीपी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0. कितनी है a की वैल्यू, a की वैल्यू आपकी 0.02, r की वैल्यू 0.002 अपॉन कितना 0.02, डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आएगा 1 अपॉन 10। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू है 0.02 अपॉन r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 1 माइनस r की वैल्यू आपकी है 1 अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 0.3 प्लस कितना है हमारा, देखिए 0.02 अपॉन में कितना, ये 9 अपॉन 10 बचेगा, अभी मैंने पहले बताया 10 में से 1 के बचा कितना 9 अपॉन 10, अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी 0.3 प्लस कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल इधर बढ़ जाएगा जब ये सीधे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो डेसिमल किधर हो जाएगा, राइट हैंड शिफ्ट, राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये अपॉन 9 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फिर हम एलसीएम लेने, इधर 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2.7 प्लस 0.2 अपॉन 9, कितना हो जाएगा 2.9 अपॉन कितना 9, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा 29 अपॉन 90, ये आपका सम होगा किसका, इस क्वेश्चन का। तो मैंने आपको फिर से एक और क्वेश्चन लगा के दिखाया किस तरीके से, मैं फिर से आपको पूरा समझा देता हूँ। 0.032 पे बार है, अब 2 पे बार है, इसका मतलब क्या, 2 2 2 2 2 2 रिपीटिंग नंबर है, लिखते चले जाएंगे। हमने क्या करा, 0.3 को अलग कर लिया और ये 0.02222 को अलग कर लिया, इसको हमें जीपी में बनाना है, 0.022 को जीपी में ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, 0.3 मैंने अलग कर लिया, इसलिए पहला नंबर हम क्या लेंगे, ये लेंगे यहां तक 0.02, दूसरा नंबर हमने क्या लिया 0.0002, यानी 2 बार 0 फिर 2, फिर उसके बाद हमने क्या करा 0.0002, तो यानी 3 बार 0 हमने लेकर के फिर 2 ले लिया। इस तरीके से सीरीज जल्दी चली जाए इन्फिनाइट। अगर आप इसको जोड़ के देखोगे, देखो कैसे 0.02, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 0.002, फिर इसके बाद ये लिखेंगे 0.0002, इसी के बाद नेक्स्ट अगर होता तो क्या होता 0.0002। तो अब देखिए जरा इसको जोड़िए तो आंसर क्या आएगा, देखिए यही सीरीज बन के आएगी, दिखाते हैं आपको कैसे। 0 का 0 और ये देखिए 0, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, देखिए ये चलता चला जा रहा है, नहीं वही चीज आ गई पलट के, इसीलिए मैंने इसको क्या कर लिया है, अलग अलग कर लिया है, समझा भी दिया है आपको, होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको सम ऑफ इनफिनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस r, तो 0.3 तो ऑलरेडी इसके अंदर मैंने जीपी थी, ये जीपी सीरीज थी, तो मैंने r की वैल्यू निकाल ली और उसके अंदर ले जाके पुट करी, पुट करने पे हमारा यहाँ तक ये चलता चला आया, ये 10 ऊपर चला जाएगा 0.02 की, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 हो जाएगा। अब हमने इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो 2.7 प्लस 0.2 और अगर हम ऐड करेंगे 2.9 अपॉन 90, यानी पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 29 अपॉन 90। तो ये तरीका है हमारा किस तरीके से हम कोई भी जीपी में अगर रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया है तो उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये तरीका है। तो आइए एक और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़े से क्वेश्चन बताते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं देखते हैं फिर से। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 0.25 0.256, और 56 हमारा क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसे किस तरीके से इसका सम निकालेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया, अगर आपको वहां से नहीं समझ में आ रहा ये आपको मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ, इसे आके देख लिए आपको समझ में आ जाएगा, और देखते हैं आइए कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले 0.2566 पे हमारा क्या है, बार है, तो इसका मतलब ये क्या, 56 हमारा रिपीटिंग नंबर है, तो लिखते चले गए, 2-3 मरतबा लिख दिया और ये इन्फिनाइट का साइन बना दिया। अब आते हैं कितने हमारे रिकरिंग डेसिमल नहीं है, 0.2 नहीं है, तो इसको हमने अलग कर लिया, 0.2 अलग हो गया, प्लस का साइन लगा दिया। अब हमारे ये नंबर है तो 0. पहले कितने नंबर नहीं थे, 0.2 नहीं थे, तो यहाँ पे 0.0 लिख देंगे। अब आते हैं क्या, यहाँ पे 5-6 हमारा क्या है, रिपीटिंग नंबर है, प्लस नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये 3 बार यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0.00
0.056 हो जाएगा। अब कृपा कितने लिखेंगे, 3, 2, 5, 5 बार हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0.0000056 इस तरीके से हमारा क्या आएगा, ये चलती रहेगी इनफिनाइट सीरीज तक के चलती रहेगी। अब हम आएंगे 0.2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो जीपी में है, 1a/(1-r), ये होता है फॉर्मूला। a की वैल्यू आपको मालूम है, ये फर्स्ट टर्म है हमारा 0.056, यही आपका वो होगा क्या, a की वैल्यू होगी 0.056। अब हम आते हैं क्या कॉमन रेशियो निकालना, तरीका क्या है, 0.00056/(1) फर्स्ट टर्म कितना है 0.056, यानी r इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/100 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन रेशियो के इसमें ले जाके वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा 0.2। a की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.056, ये है आपकी a की वैल्यू अपॉन 1/r, r की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हो गया आपका। इसके बाद 0.2 प्लस का ये हो जाएगा 0.056/100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 100 में से 1 जाएगा तो 99/100 बचेगा, ये 100 सीधे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 0.2 कितना हो जाएगा, 5.6/99, कितना हो जाएगा 99, क्योंकि 100 तो ऊपर चला ही गया, और ये दो, क्योंकि ये नीचे 100 है तो ये 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे राइट हैंड साइड में। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5.6 से पॉइंट हटा लेंगे, सॉरी यहाँ प्लस नहीं लगाया, पॉइंट हटा लेंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, यानी 0.2 प्लस का 5.6/990 आ गया आपका। अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 का मल्टीप्लाई 990 से, ये 0 से आपका ये पॉइंट हट जाएगा, यानी अब आपको सिर्फ इतना ही मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा, 198 प्लस का 56/990। नहीं आपको ये समझ में आ रहा तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देखना और डेसिमल एक हटाना, तो देखना आंसर 198 ही आएगा। अब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 6, 14 और 14 का 6, 9, 6, 15, 15, 254/990, कितना आ रहा है, 254/990। अभी ये क्या है, देखिए ये दोनों हमारे, इसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म देखिए इवन नंबर है, तो रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 7 14, ये कितना हो जाए, 2 4 8 2 9 18 2 5 10, अब और नहीं हो सकता, 7 3 10 हो गया, नहीं अब नहीं हो सकता, तो 127/ कितना हो गया, 495, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग जीपी में रिकरिंग डेसिमल का सम निकालते हैं, तो ये वो तरीका है कि उस तरीके से हम लोग सम निकालते हैं। इसके बाद अब हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे आगे, पहले आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, और अपनी जो भी क्वेरीज है, आप जो भी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो उसे लगा करके देखिए, नहीं समझ में आता है फिर से मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।